हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक एयर्स और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज डेटा टाइप इन सेल्सफोर्स एज वेल एज वी विल अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू क्रिएट ए रिकॉर्ड एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉर्ड्स। ओके, सो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताया था। तो फील्ड क्रिएट करने के टाइम अपन को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा टाइप का फील्ड हमें क्रिएट करना है, तो वो हमें चूज़ करना पड़ता है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कि जैसे नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, पिक लिस्ट हो गया, मल्टी पिक लिस्ट हो गए, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर रिलेशनशिप, और भी करेंसी हो गया, जियो लोकेशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कुछ ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे जैसे रिलेशनशिप के बारे में, तो वो आने वाली वीडियोज़ में अपन देखेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, वी आर लर्निंग अबाउट रिलेशनशिप ऑल्सो, बट अभी के लिए इतना समझो कि जब भी अपन फील्ड क्रिएट करते हैं तो हमें एक डेटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अब इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कौन से डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं इन सेल्सफोर्स में। तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट करेक्टर्स और लेटर नंबर अपन ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर, जब हम टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप का फील्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। नंबर हो गया, नंबर में बेसिकली नंबर, ठीक है, डेसिमल भी हो सकता है नंबर, इंटीजर भी हो सकता है। नंबर में जब अपन सेलेक्ट करते हैं तो डेसिमल के नंबर नंबर पूछते हैं, भाई एक डेसिमल नंबर चाहिए या दो डेसिमल चाहिए, तो आप जीरो से लेकर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो उसमें। डेट हो गया, डेट टाइम हो गया यहाँ पे, ओके, करेंसी हो गया, पिक लिस्ट हो गया। करेंसी एक प्रकार का, जैसे अपन कोई भी मनी से रिलेटेड चीज़ हो गई तो उसको करेंसी में काउंट करते हैं, और डेसिमल टाइप का एक फील्ड होता है ये, ओके। पिक लिस्ट हो गया, चेक बॉक्स हो गए, यहाँ पे यूआरएल हो गया, यूआरएल स्ट्रिंग टाइप का होता है, एक यूआरएल टाइप का। फ़ोन हो गया, ईमेल हो गए, टेक्स्ट एरिया हो गया, रिच टेक्स्ट एरिया हो गया। अब टेक्स्ट एरिया एंड रिच टेक्स्ट एरिया में इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, इनमें नंबर ऑफ करेक्टर्स का फर्क होता है। टेक्स्ट में अपन न्यू लाइन में मूव ऑन नहीं कर सकते, जबकि टेक्स्ट एरिया में कर सकते हैं, और करेक्टर्स का डिफरेंस होता है। टेक्स्ट में अपन देख, मैं दिखा देता हूँ आपको, ओके, बुक। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो इसमें मैं एक फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। तो फील्ड क्रिएट करने से पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का फील्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है कि टेक्स्ट में सिर्फ लेटर्स और नंबर्स अलाउ करते हैं, टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे 255 करेक्टर और सेपरेट लाइन अलाउ करते हैं। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में अपन को 131,000 समथिंग करेक्टर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, सेपरेट लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे रिच में आपको 131,000 समथिंग तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बोल्ड करना हो गया, या फिर आपको लिंक ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है या वीडियो ऐड करनी है, तो आपको टेक्स्ट एरिया रिच सेलेक्ट करना पड़ेगा फील्ड के लिए। अब इनक्रिप्टेड में ये क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है, इनक्रिप्ट फॉर्म में सेव करता है डेटा को, ठीक है। टाइम हो गया और यूआरएल हो गए, तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ क्या, ये पीपीटी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना आप। अपडेट, ये लुकअप रिलेशनशिप हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। तो ये डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप के फील्ड अपन क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटर्नल आईडी के फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जियो लोकेशन, ओके। सो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे डेटा टाइप से रिलेटेड। सो 20+ अपने पास डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं इन सेल्सफोर्स में, तो अपन क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर ए फील्ड। तो ये चीज़ें इनके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑफिशियल जब क्रिएट करते हैं उसके पास में भी लिखा होता है थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन की आपको कैसा टाइप का फील्ड चाहिए, ओके। सो अब बात करते हैं रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो रिकॉर्ड एक प्रकार से क्या हो गया, रिकॉर्ड्स आर द रोज इन ऑब्जेक्ट यूनिकली आइडेंटिफाइड देयर आईडीज। तो रिकॉर्ड एक प्रकार से इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे अपन ने यहाँ पे
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बुक नाम का। अब बुक के लिए एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो मुझे न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, जैसे मैं रिच डेड पुअर डेड नाम की एक बुक का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, प्राइस में रख देता हूँ 1200 रुपये। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि इट इज़ रिलेटेड अबाउट मनी मनी मैनेजमेंट। ओके, तो जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक आईडी जनरेट हुई है। तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की ये आईडी है जो कि सेल्सफोर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। इसको रिकॉर्ड आईडी कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि ये सेल्सफोर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ये यूनिक होती है। तो इस आईडी के थ्रू अपन इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि रिच डेड पुअर डेड नाम की एक बुक है और ये मनी से रिलेटेड है। इसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑटो नंबर जनरेट हो गया जो कि अपन ने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम सेट किया था। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही अपन और भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक और मैं बुक का नाम बताऊं तो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपुल। ठीक है, तो इसकी प्राइस रख देता हूँ 500 रुपये। और इट इज अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, सेव करता हूँ। तो ये एक और यहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पे बुक का ना ऑटो जनरेट नंबर B002 आ गया, ऑटोमेटिकली सेट हो गया। यहाँ पे आईडी भी यूनिकली अपने पास आ गई है। ठीक है, रिकॉर्ड सेव हो गया। जैसे अपन देख भी सकते हैं यहाँ पे B001 B002 दो रिकॉर्ड अपने पास क्रिएट हो गए हैं। तो इनको रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। वी कैन क्रिएट रिकॉर्ड बाय एंटरिंग वैल्यूज इन फील्ड, जो कि देख चुके अपन। वी कैन क्रिएट एडिट डिलीट व्यू रिकॉर्ड। ओके, सो ये जो रिकॉर्ड बनाया है उसको अपन देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट ये पेंसिल बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ठीक है, अपडेट हो गया ये यहाँ पे। और डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप पर्टिकुलर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ओके, और अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो रिकॉर्ड इन सेल्सफोर्स कैन स्टोर वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज डेटा फील्ड न्यूमेरिकल। ओके, तो किसी भी प्रकार का डेटा टाइप आप क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रिकॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें और डेटा टाइप्स इन सेल्सफोर्स से रिलेटेड चीज़ें, कौन कौन से डेटा टाइप अपने पास अवेलेबल होते हैं किसी भी फील्ड को क्रिएट करने के लिए। कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कोई भी सजेशन देना हो तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपका ज़रूर रिप्लाई मैं करूँगा। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।